सूरज हमारी पृथ्वी से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा, जो कि ऊर्जा का अपार भंडार है और जिसकी वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका है। क्या हो अगर अचानक गायब हो जाए? इंसानों पर, पेड़ पौधों पर, जीव जंतुओं पर, समुद्री जीवों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या सूरज गायब हो जाने के बाद भी पृथ्वी पर जीवन रहेगा? ये घटना हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक तो है, पर असल में ऐसा हुआ तो क्या होगा? मैं हूँ फैक्ट स्क्राइब और आज मैं आपको रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना का अनुभव कराने जा रहा हूँ। मान लीजिए सुबह के 10 बजे हैं और सूरज सौर मंडल से अचानक गायब हो गया है। ये वो समय है जब सूरज अपनी रोशनी से आधी दुनिया को जगमगा रहा होता है। धरती पर रहने वाले लोग अभी इस भयानक घटना से अनजान है कि सौर मंडल का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट सूरज अब गायब हो चुका है, क्योंकि सूरज गायब हो जाने के बाद भी 8 मिनट 19 सेकंड तक इसकी रोशनी और ऊर्जा धरती पर आती रहेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि सूरज की रोशनी को धरती तक आने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 19 सेकंड बाद धरती ने सूरज से मिलने वाली रोशनी और ऊर्जा को खो दिया है। धरती पर अचानक से अंधेरा छा गया है और आसमान में तारे चमकने लगे हैं। आपको पता ही होगा कि चंद्रमा के पास अपनी कोई चमक नहीं होती। सूरज की किरणें चांद की सतह पर पड़कर रिफ्लेक्ट होती हैं। इसीलिए वो हमें दिखाई देता है। क्योंकि अब सूरज नहीं है, इसलिए चांद भी अब दिखाई देना बंद हो गया है और धरती की दूसरी साइड जहां इस समय रात है वहां पर भी चांद ना दिखाई देने की वजह से लोगों को इस घटना के बारे में पता चल गया है। पूरी दुनिया के लोग इस हैरत अंगेज घटना से हैरान हैं। उधर सौरमंडल के सभी प्लैनेट्स जैसे अर्थ, जुपिटर, मार्स, नेपच्यून आदि, जो कि सूरज के ग्रेविटेशनल इफेक्ट यानी गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण सूरज के चारों ओर परिक्रमा करते थे, वो अब सौरमंडल में अपनी जगह से हटकर इधर उधर बिना सिस्टम के तैरने लगे हैं। पृथ्वी ने भी सूरज के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को खो दिया है, वो भी अब बिना कंट्रोल के इधर उधर सौर मंडल में तैरने लगी है। अब कोई सूरज नहीं है जो धरती और अन्य ग्रह को कंट्रोल करके एक सिस्टम में चला सके। इधर धरती पर लोग इस अनइमेजिनेबल घटना के चलते हैरान हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्या। एक घंटे बाद धरती का तापमान अब धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया है और धरती ठंडी होनी शुरू हो गई है। दुनिया के अलग अलग देशों की गवर्नमेंट्स एक दूसरे से संपर्क कर रही हैं और वैज्ञानिकों से बात कर इस समस्या का पता लगाने में जुटी हैं। पर वैज्ञानिक भी इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये घटना इंसानों के हाथ में नहीं है। सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है। 24 घंटे बाद अब इस घटना को 24 घंटे बीत चुके हैं। हर कोई सूरज उगने की उम्मीद कर रहा है। धरती पर अभी भी अंधेरा छाया हुआ है। धरती का टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस हो गया है। इस भयानक घटना का सबसे ज्यादा प्रभाव पेड़ पौधों पर पड़ा है। एक प्रोसेस चलता था फोटोसिंथेसिस, जो कि लाइट एनर्जी यानी प्रकाश ऊर्जा को केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता था, जिसकी वजह से पेड़ पौधे जीवित रहते थे। बहुत से छोटे पेड़ पौधे अब मरना शुरू हो गए हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। धरती की अंदरूनी सतह पर इनर कोर होती है, जो कि सूरज की गर्मी को स्टोर करती है, जिसकी वजह से धरती अभी भी काफी गर्म है और अभी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। 10 दिन बाद इस घटना को अब 10 दिन बीत चुके हैं और वायुमंडल में मौजूद सूरज की गर्मी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। धरती का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस हो गया है। लोग कप कपाती हुई ठंड से परेशान हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ बनने लगता है, पर यहाँ तो टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। नदियाँ, झीलें और समुद्र की ऊपरी सतह अब जमना शुरू हो गई है, पर समुद्र के निचले तल पर रहने वाले जीवों पर अभी इसका बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है। धरती पर पीने लायक पानी अब नहीं बचा। पानी को केवल पिघला करके ही पिया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी ठप हो चुकी है, क्योंकि बिजली बनाने वाले डैम का पानी जम चुका है। सूरज न होने की वजह से सोलर पैनल से बनने वाली बिजली भी बंद हो गई है। मोबाइल फोन, लैंडलाइन, टीवी, इंटरनेट सब ठप हो गए हैं। पृथ्वी की कक्षा में मौजूद सैटेलाइट ने भी काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि वो भी सौर ऊर्जा की मदद से चार्ज होकर काम करती थी। यानी कम्युनिकेशन के सारे माध्यम बंद हो चुके हैं। कुछ देश जो कि दूसरे माध्यम जैसे जियोथर्मल एनर्जी और न्यूक्लियर पावर से बिजली उत्पन्न करते हैं, उनके पास अभी भी बिजली मौजूद है। सूरज के बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बंद होने की वजह से बहुत से पेड़ पौधे अब खुद को जिंदा नहीं रख पा रहे हैं।
वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ने लगी है और ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई है और अचानक मौसम में हुए इस परिवर्तन की वजह से बहुत से जीव जंतु और पक्षी अब मरना शुरू हो गए हैं। पहले दिन और रात होते थे पर अब सब तरफ रात ही रात है और टाइम भी अब कोई मायने नहीं रखता। 40 दिन बाद इस घटना को अब 40 दिन बीत चुके हैं और अभी भी सूरज नहीं निकला है। इस समय धरती का टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस हो गया है और धरती लगातार ठंडी हो रही है। पृथ्वी अब अंतरिक्ष से ऐसी दिखाई दे रही है जो पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई है। शहर और जंगल अब पूरी तरह बर्फ से ढक चुके हैं। दुनिया के जो अमीर लोग हैं उन्होंने बर्फीली हवाओं और कपकपाती हुई ठंड से बचने के लिए अंडरग्राउंड केविन बनवा लिए हैं और कुछ लोग साउथ पोल की तरफ मूव करने लगे हैं क्योंकि वहां जियोथर्मल एनर्जी की वजह से हल्की हीट मौजूद है। पर गरीब लोग सफेद बर्फ से ढके शहरों में मरना शुरू हो गए हैं। हवाएं अब जहरीली होने लगी हैं। धरती की ऊपरी सतह पर मौजूद ज्यादातर जानवर अब मर चुके हैं सिवाय कुछ को छोड़कर जिन्हें पहले से ही इस टेम्परेचर में रहने की आदत है। कुछ बड़े पेड़ स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से अभी भी जिंदा हैं। ऐसी नदियां और झीलें जो एक्टिव ज्वालामुखी के पास हैं, उनके तल पर ज्वालामुखी से मिलने वाली हीट की वजह से अभी जीवन चल रहा है पर इनकी संख्या बहुत कम है। एक साल बाद धरती का टेम्परेचर -120 डिग्री सेल्सियस हो चुका है और धरती अब बर्फ का गोला बन चुकी है। शहरों में मौजूद बिल्डिंग्स पर बर्फ की इतनी मोटी लेयर्स चढ़ चुकी हैं कि अब वो चट्टान की तरह दिखाई देने लगी हैं। अब धरती पर कोई भी पक्षी और जानवर नहीं बचा है। इस भयानक ठंड के चलते धरती पर जीवन नष्ट हो रहा है। गहरे समुद्र की निचली सतह जो कि धरती की इनर कोर से अभी भी कुछ हीट प्राप्त कर रही है वहां तरल रूप में पानी होने की वजह से भी जीवन चल रहा है। धरती अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा में तैरते तैरते एक अनजान जगह पर आ गई है। 1000 साल बाद इस भयंकर घटना को अब 1000 साल बीत चुके हैं और अभी तक सूरज नहीं निकला। धरती का तापमान लगभग -180 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। पृथ्वी के वायुमंडल में अब ऑक्सीजन की मात्रा लगभग खत्म हो चुकी है। चूंकि धरती पर ऑक्सीजन और खाने के सारे रिसोर्सेज समाप्त हो चुके हैं इसलिए धरती से जीवन खत्म होने लगा है। 5000 साल बाद धरती का तापमान घटकर -240 डिग्री पर स्थिर हो गया है और धरती अंतरिक्ष में तैरते तैरते सौरमंडल से अरबों किलोमीटर दूर आकाशगंगा में ऐसी जगह आ गई है जहां बहुत सारे एस्ट्रॉइड यानी उल्का पिंड तैरते रहते हैं। इन खतरनाक एस्ट्रॉइड ने धरती को हिट करना शुरू कर दिया है और अंत में धरती की ओर तेजी से आ रहे एक बड़े से एस्ट्रॉइड ने धरती को हिट कर दिया है और सब कुछ खत्म। अगर हम ये मान लें कि हमारी धरती किसी एस्ट्रॉइड से नहीं टकराती है या कोई ब्लैक होल धरती को नहीं निगलता है तो हो सकता है कि हमारी पृथ्वी किसी और तारे के नजदीक आ जाए और इस नए तारे की ऑर्बिट में चक्कर काटने लगे। पर घबराइए मत मेरे दोस्त, ये तो केवल हाइपोथेसिस यानी कल्पना है। सूरज में अभी भी लगभग 5 बिलियन ईयर्स तक का ईंधन बचा है। हमारी धरती सूरज के चारों ओर अरबों सालों तक ऐसे ही चक्कर काटती रहेगी और सूरज से मिलने वाली ऊर्जा और रोशनी हमें मिलती रहेगी। इससे हमें ये तो समझ आ गया है कि सूरज के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। तो आपको ये हाइपोथेसिस कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।